बात करते हैं पाली की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर गांची समाज ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। 16 मई की बात है, 16 मई को शहर में चल रहे स्पा सेंटर संचालकों ने अवैध रूप से वसूली करने को लेकर मनीष राठौड़ पुत्र मोहनलाल राठौड़ के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करवाने के बाद पुलिस द्वारा 17 मई को गिरफ्तार किया गया था, जिसको लेकर गांधी समाज ने पुलिस और स्पा सेंटर संचालकों पर आरोपी एवं पाली में राजनीतिक दबाव से और षड्यंत्र से गलत एवं झूठे हो रहे समस्त मुकदमों में निष्पक्ष विविधिक जांच की गई थी। जांच कराने की मांग को लेकर गांधी समाज ने जिला कलेक्टर एलएन मंत्री को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मनीष राठौड़ के पिता और समाज के अध्यक्ष रमेश परिहार ने बताया है कि मनीष राठौड़ पुत्र मोहनलाल राठौड़ के विरुद्ध पाली में राजनीतिक दबाव और षड्यंत्र कर गलत एवं झूठे मुकदमे दर्ज कर मनीष राठौड़ की छवि और भविष्य को खराब करने की कोशिश की जा रही है। मनीष राठौड़ ने पाली में चल रहे स्पा थेरेपी की आड़ में चल रहे जिस्म फरोजी के अनैतिक कार्य पर लगाम लगाने के लिए पुलिस थाना कोतवाली एवं मुख्यमंत्री शिकायत पोर्टल पर इस बाबत शिकायत की थी एवं जिससे पाली पुलिस नाराज हो गई और लिपापोती कर इस संबंध में गलत रिपोर्ट की गई। इस संबंध में मनीष राठौड़ ने 181 मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज करवाई। उन्होंने यह भी कहा कि राजनीतिक दबाव के कारण उसको टॉर्चर किया जा रहा है, पुलिस द्वारा राठौड़ को रोड पर घुमाया जा रहा है, ये गलत है क्योंकि वो कोई हार्डकोर अपराधी नहीं है। हमारी मांग है कि पुलिस द्वारा पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच की जाए। हमारी ये मांग है, कलेक्टर साहब से ये मांग है कि मनीष राठौड़ को जिस तरह से फंसाया गया है उसमें मनीष राठौड़ को खुलेआम रोड पे घुमाया जा रहा है, कोई 60 सिस्टर कोई मर्डर किया हुआ हो ऐसा आदमी जैसे इसको रोड पे घुमा के इनका वीडियो वायरल कर रहे हैं बाजार में, इनकी पूरी इज्जत उतार रहे हैं और ऐसे विस्पे वाले बोल रहे हैं कि हम लोग इनको हफ्ता देते, बंदी देते हैं, तो हम तो हफ्ता क्यों देते आप? अगर आपके पास कुछ गलत काम होता होगा तो आपने हफ्ता देते हो। इसकी वजह से आज हम लोग पूरे समाज इकट्ठे हो गए कि मनीष राठौड़ के साथ में कोई गलत काम ना हो और पुलिस द्वारा इनके साथ सही व्यवहार करें और सही निर्णय इनके साथ करें। बस ये। क्या नाम आपका? मेरा नाम रमेश परिहार, अध्यक्ष राज्य समाज।